गांधी जी के हजारों कामों के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, डिबेट हो सकती है, ये ठीक किया गांधी जी ने, ये गलत किया, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं है। ये राष्ट्रपिता कब बने, कब रेजोल्यूशन पास हुआ कि वो हमारे पिताजी हैं, ये हमें बताया नहीं गया। भाई हमें पता तो चल जाता कि हमारे पिताजी ये हैं, वो कब कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ और देश में कहां पे ये इतना बड़ा माहौल बना के देश के सारे लोग उनको राष्ट्रपिता बनाना चाहते हैं, अपने देश को भरोसा दिलाया और पूरी ताकत से कहा कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पे बनेगा। मैं एक उसकी सिमिलरिटी नहीं खींचना चाहता, और उस दौर में बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी को, उनकी क्या ताकत थी कि जब वो नोआखली के दंगों में गए तो जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे हाथों में तलवारें थी लोगों के, लोगों ने हथियारों से हाथ से उनके तलवारें गिर गईं गांधी जी के कहने से, इतनी स्ट्रांग अपील थी। तो नाथूराम गोडसे को भी लगा कि ये देश महफूज है, कम से कम ये गांधी के होते हुए नहीं होगा। आप में से किसी ने 15 अगस्त 1947 को जब इस दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था तो बंगाल में और पंजाब में क्या हो रहा था, ये किसी को अंदाजा है? ये क्यों नहीं देश को बताया गया? और हिंदुस्तान के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कोई डॉक्यूमेंट नहीं सरकार के पास। नेशनल आर्काइव दिल्ली में चले जाएं, उसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, लेकिन हम गीत गा रहे हैं आजादी के। लिहाजा गांधी जी ने जो भरोसा देश को दिया, कोई तस्वीर ऐसी याद है हिंदुस्तान के किसी छोटे बड़े अखबार में कि जिस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था तो गांधी क्या कर रहे थे, गांधी थे कहां, कहां बैठे हुए थे, कोई प्रतिक्रिया है उनकी? तो ये आजादी, जिसको आप आजादी कह रहे हैं, जिसको हम सब लोग आजादी समझ रहे हैं, जिसमें 21 लाख लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हुई है, सबसे ज्यादा लाशें पंजाब से गई, सबसे ज्यादा उसके बाद लाशें बंगाल में हुई। गांधी के हत्यारे की चिंता है लोगों को, 21 लाख लोगों का मर्डर हुआ, 21 लाख लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा, वो किसके खाते में जाएंगी भाई? और क्या इस देशवासियों से पूछा था आपने कि हम एक लाइन खींच देंगे पंजाब से और एक लाइन खींच देंगे बंगाल में और ये मुल्कों में बांट देंगे? ये किसने तय किया था, कौन कॉन्स्पिरेटर थे? क्या गांधी जी को नहीं पता? क्या गांधी जी की सहमति से नहीं हो रहा था? कि गांधी जी को नहीं पता था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है? तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी भाई? अंबेडकर से उनका किसी बात पे विवाद हो गया तो अंबेडकर जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और धरने पे बैठ गए। तो अंबेडकर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा, गांधी जी आपकी जरूरत इस देश को है, आप अनशन मत करिए, मेरी बात ठीक है लेकिन क्योंकि आप देश के लिए जरूरी हैं इसलिए मैं आपकी बात की वजह से अपनी बात वापस ले रहा हूं। फिर एक दूसरी घटना घटी जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब भी गांधी जी ने धरना दे दिया। मैं आज पूछता हूं 2019 में, गांधी जी जब जिना अपनी जिद पे अड़ गया था कि पाकिस्तान को बांटेंगे तो आप उसके सामने धरने पे क्यों नहीं बैठे थे? आप धरना देते, कुछ भी करते, ये देश नहीं बटने देते ना। मैंने कोई एपिसोड नहीं देखा गांधी जी ने जिना से बात की हो कि देश मत बांटो। तो जो आपने रवैया अंबेडकर के साथ किया, सुभाष के साथ किया, वो जिना के सामने क्यों नहीं किया आपने? आप ऐसे अमरण अनशन पे क्यों नहीं बैठे कि नेहरू के ऊपर भी दबाव बन जाता? आपने तो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए आप कि जिस जवाहरलाल नेहरू को 14 में से एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी आपने अपने हाई मॉरल ग्राउंड को स्टार्ट किया और कहा पटेल से, क्या कहते, कि नेहरू की हार मेरी हार है, और पटेल जी ने कुर्सी छोड़ दी। तो पहली ईवीएम हैकिंग तो आपने तब कर ली थी और ओपनली किया आपने।
हम किसी आदमी को एक देवता की जगह बैठा दें और फिर उससे कहेंगे जो तुम कर रहे हो वो ठीक है और उस पर सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे देखिए साहब गांधी जी के बारे में, गांधी जी ऐसे थे। भाई गांधी जी को क्रिएट किया गया, मेरा मानना यह है। अंग्रेजों को कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा था कि उनके अपना एक अंग्रेज जो कलेक्टर था उसने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की नींव रखता हूं, ए ओ ह्यूम, और तुम हमें मारना और हमें यहां से भगा देना। इतनी सहमति तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। और मैं कहूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखें अगर आप, ठीक है कि उसमें बहुत सारे लोग गए फिर वापस निकल आए फिर अलग अलग जगह चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का पूरा जन्म और कांग्रेस पार्टी की अप्रोच में कुछ लोगों को आप देखें कि जैसे ही इस देश में गरम दल का जैसे ही वो आगे बढ़ता था तत्काल गांधी जी अनशन, अहिंसा, हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे, जब जब भी मैंने देखा कि ये ताकतें आगे बढ़ी गांधी जी खड़े हो गए बीच में आके। और वही ग्रुप जिसे मैं चंडाल चौकड़ी कहता हूं वही उनके साथ थी। सुभाष बाबू के मामले में गांधी जी ने अनशन किया था, वीर सावरकर के लिए अनशन किया था। तो जो लोग दिल्ली में थे और दिल्ली में सुबह सुबह लिखते थे लेटर टू डॉटर मॉर्निंग, दोपहर में भी लिखते थे शाम में भी लिखते थे, अंग्रेज पूछता था ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे और फिर खाने में क्या खाएंगे, ऐसी जेल अल्लाह करे पूरे देश को दे दे। और एक आदमी, हजारों लाखों लोग अंडमान से लेकर सब जगह थे, उनकी कहीं इस देश में जिक्र नहीं है। तो हम ये माने कि जो हमने नींव रखी है इस भारत की, ये एक बार ढह जाए तभी ठीक है, ये बगैर ढह नहीं हो सकती। हमने ये देश इसलिए आजाद नहीं कराया था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाएं 16 साल, और उनकी ताजपोशी जब मुमकिन होती है, जब इस देश के एक आदमी को आज के रिकॉर्ड में अगर कहूं तो 1945 में उस आदमी को अंग्रेजों से मिलकर नहीं हटाया गया। क्या सुभाष चंद्र बोस 1945 में गायब हुए, उसमें नेहरू जी के अलावा दूसरी फोर्सेस नहीं थी? और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि अब से 6 महीने पहले जो हम लोगों की पिछले 4 साल से लड़ाई चल रही थी वो पूरे तौर पर समाप्त हो गई। आप सबको पता होगा कि 6 महीने पहले हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले से जो सिलसिला चल रहा था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई किया जाए, वो क्लासीफाई भी हुए। लेकिन बड़ी लड़ाई ये थी कि भारत का प्रधानमंत्री पहली बार आजाद भारत में 15 अगस्त के अलावा 21 अक्टूबर को जब सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड भारत में आजादी की घोषणा की थी, उस वक्त मेरा ख्याल है कि दुनिया के 11 देशों ने उसको मान्यता दी थी। ये डर कांग्रेस के लोगों को लगा कि हम तो ट्रांसफर ऑफ पावर में बैठे हैं कि हमारा नंबर आने वाला है, ये बीच में कहां से आ जाएगा। तो क्या कॉन्स्पिरेसी हुई कि 43 से 45 तक सुभाष गायब हो गए और अभी 6 महीने पहले जब भारत के प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को भारत के लाल किले पे 15 अगस्त के अलावा दोबारा गए और झंडा फहराया, नैरेटिव को बदलने में समय लगेगा। अगर यह भारत आज बन रहा होता तो आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती। समस्या यह है कि हमारे घर में हमारे ही बच्चे, हमारे ही जनरेशन के लोग पिछले 70 साल से जो उनको इंजेक्ट किया गया है इतिहास के नाम पे, उनके अंदर से उसको हटा करके उसको 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 गलत साबित करके जो सही बात है वहां तक पहुंचने में एक लंबा समय लगेगा। इसलिए ये लड़ाई ज्यादा लंबी है, इसलिए गांधी जी का नाम लेते ही कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं, इसलिए जैसे ही वीर सावरकर का नाम आता है वो गद्दार था,
आपने खुद ही नैरेटिव गढ़ दिया है कि वीर सावरकर ने गद्दारी की और चिट्ठी लिखी, लेकिन वही लोग देश के ये नहीं बताते कि 1980 में मैडम इंदिरा गांधी ने जो सावरकर के परिवार को चिट्ठी लिखी है वो एक किताब है, उसमें पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर भारत की धरती का वो सपूत है जिसने भारत की आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके वारिस कह रहे हैं, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं, और उसकी पार्टी ये कह रही है कि सावरकर ने तो माफी मांगी थी। अब एक नैरेटिव बन गया है तो उस नैरेटिव को हटाने में समय लग रहा है।